good morning students in this video we are going to learn about class 1 unit 4 page number 42 it's a poem once i show a little bird once i saw a little bird come hope 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 i cried little bird will you stop 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 आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू बट ही शोक हिज लिटल टेल एंड अवे ही फ्ल्यू यहाँ पे एक बच्चा है ना ये बच्चा है उसने एक बार छोटी सी चिड़िया देखी वंश आई शो वंश का मतलब एक बार आई शो का मतलब मैंने देखी लिटल बर्ड लिटल यानी कि छोटा एक ये जो लड़का है उसने एक दिन छोटी सी चिड़िया देखी कम होप 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 जो चिड़िया है ना वो जब आसमान में नहीं उड़ रही होती है और जब जमीन पर होती है ना तब वो होप करती है यानी कि जंप करती है एक जगह से दूसरी जगह पर तो बच्चा कहता है कम होप 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 आई क्राइड लिटल बर्ड विल यू स्टॉप 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 बच्चा जोर से चिल्लाया क्राइड यानी कि चिल्लाना बच्चा जोर से चिल्लाया विल यू स्टॉप 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 तुम रुको 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 आई वॉज गोइंग टू द विंडो जो लड़का है वो गोइंग टू कहाँ जाता है विंडो यानी कि जो खिड़की होती है उसके पास गया टू से और बोला हाउ डू यू डू तुम ये कैसे करती हो बट ही शूक हीज लिटिल टेल एंड अवे ही फ्ल्यू लेकिन चिड़िया जो है वो जोर से उड़ गई अपनी टेल यानी हुए अवे ही फ्लू यानी कि जो चिड़िया है वो उड़ गई इसके बाद आपको पोएम के न्यू वर्ड दिए हैं जैसे कि फर्स्ट है बर्ड बर्ड का मतलब होता है चिड़िया होप होप का मतलब है जंप करना इसके बाद है स्टॉप स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना टेल टेल का मतलब होता है आपको पिक्चर में दिख रहा है ना टेल यानी कि पूंछ, इसके बाद है विंडो विंडो का मतलब होता है खिड़की जो हमारे घर पे होती है ना, ये लकड़ी की बनी होती है और कांच की भी होती है जिससे हम आर पार भी देख सकते हैं तो उसे हम विंडो कहते हैं नेक्स्ट है लेट्स रीड जिसमें सेंटेंस दिए हैं फर्स्ट सेंटेंस है द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो नेक्स्ट सेंटेंस है वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज उसके बाद रीडिंग इस फन में आपको क्वेश्चन दिए हैं जिसके आंसर